चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कांदरीघाट के जंगल में नक्सलियों ने बैनर बांधकर जताया विरोध, पुलिस अधीक्षक ने की पुष्टि। बालाघाट जिले में फिर एक बार बड़े अंतराल के बाद नक्सलियों ने बैनर बांधकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पुलिस मुखबिरी और नक्सल उन्मूलन हेतु विशेष दस्ता भर्ती को बंद कराने की चेतावनी दी है, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने की है। आपको बता दें कि लांजी के बहला थाना अंतर्गत कांदरीघाट के जंगल में नक्सलियों ने बैनर बांधकर अपना विरोध जताया है। एक बैनर में लिखा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नौजवानों, पुलिसों के लिए मुखबिरी करना बंद करो और जंगल जंगल जमीन बचाओ, और दूसरे बैनर में मध्य प्रदेश विशेष दस्ता भर्ती को बंद करो, शिवराज सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद, टाडा टांडेकर एरिया कमेटी, इन दो बैनर बांधकर विरोध जताया है। दूरभाष पर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि कांदरीघाट के जंगल में दो बैनर मिले हैं, जहां एक बैनर में नक्सलियों ने पुलिस के लिए मुखबिरी करना बंद करो और दूसरे में लिखा है बालाघाट में 5 दिनों से चल रही मध्य प्रदेश विशेष दस्ता भर्ती प्रक्रिया को बंद करो, इसी को लेकर विरोध जताया है। दोनों पुलिस के लिए अच्छी खबर है, इसका एक मतलब है कि पुलिस की मुखबिरी सही हो रही है, दूसरा विशेष दस्ता भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं, उससे उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। उनको लग रहा है कि पुलिस की मुखबिरी बड़ी संख्या में फैल जाएंगी, बस उनका तो यह बीच बीच में घटना चलते ही रहती है। आज सुबह सीतापाला चौकी अंतर्गत कांदरी घाट के आसपास दो बैनर अपने को, दो नक्सली बैनर मिले हैं उस घाटी में। पहला बैनर जो है वो उस पर पुलिस मुखबिरी बंद करो ऐसे करके नौजवानों को एक तरह से बताया गया। दूसरा जो बालाघाट में विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती हो रही है उसमें भर्ती बंद करो शिवराज चौहान ऐसे करके उसमें मेंशन किया गया। दोनों बैनर मुझे लगता है कि पुलिस के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, क्योंकि दोनों बैनर से एक तो पता चलता है कि हमारा जो मुखबिर तंत्र है बहुत स्ट्रांग है गांव में, जिससे नक्सलियों के बीच में काफ़ी हताशा और डर का माहौल है। उनको पता है कि भाई कभी भी उनकी जानकारी लीक हो रही है। और दूसरा कि जो विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती है, जो मैंने शुरू में बताया था कि यह पोटेंशियली गेम चेंजर है बालाघाट के लिए। लोकल लड़के हैं, स्थानीय परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ़ हैं, यहाँ की भाषा जानते हैं, गांव के रास्ते जानते हैं, जंगल के रास्ते जानते हैं। ये जब अपने साथ विशेष सहयोगी दस्ता के रूप में आएंगे तो निसंदेह नक्सल उन्मूलन अभियान में एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगे। और इस बात से नक्सलियों के मन में भी एक अत्यंत भय का माहौल क्लियर पता चलता है। सर, जिस